लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली स्वास्थ्य विभाग में चयनित करीब 1600 ANM कार्यकर्त्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस दौरान एक कार्यक्रम शामली जनपद की कलेक्ट्रेट में भी आयोजित हुआ, जिसमें जनपद में चयनित 23 नवनियुक्त ANM कार्यकर्त्रियों को भी नियुक्ति पत्र बांटे गए। दरअसल आपको बता दें कि कार्यक्रम जनपद शामली की कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में चयनित शामली जनपद की 23 ANM कार्यकर्त्रियों को जिसमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में चयनित शामली जनपद की 23 ANM कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम का प्रसारण लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव कार्यक्रम से वेब के माध्यम से जोड़ा गया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति गंभीर हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग में भर्ती कराकर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। शामली जैसे जनपद में अभी एक सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज भी दिया है। पूरा शामली जनपद उनका धन्यवाद करता है। जिस प्रकार से निष्पक्ष हो रही भर्तियों में चयनित हो रहे बालक बालिकाएं, ये अपने आप में गौरव की बात है। अब जनपद शामली के सभी ANM सेंटरों पर नियुक्ति हो जाएगी और जनपद वासियों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। पत्र दिए गए, क्या मामला था? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में लगातार पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और उसी का परिणाम है कि जहां पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, वहां आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, उसको पूरा करते हुए बहुत गति देने का काम किया है। और उसी क्रम में शामली जनपद को भी अभी 8 ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज दिया गया है। मैं पूरे जनपद वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय के साथ अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम था, हमारी ANM बहनों को नियुक्ति पत्र मिले थे, तो जनपद शामली से भी 23 बहनों को ANM का नियुक्ति पत्र मिला है। बड़ा उत्साह का माहौल है, बड़ी संख्या में लोग आए थे, पूरे परिवार में बड़ी खुशी है। और ये जो नियुक्ति पत्र है, सामान्य नियुक्ति पत्र नहीं है, ये पारदर्शिता के साथ हुई नियुक्तियों का पत्र है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी ANM सेंटर हैं सभी पर ANM की नियुक्ति होगी, जिससे ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत गति के साथ मजबूती उनको मिलेगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार है। और पूरे प्रदेश में भी आज लगभग 1600 लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र हमारी ANM बहनों को दिया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।